छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। देखो देखो मुझे छोड़ दो। अरे भागो भागो, बचाओ। कृष्णा बेटा, बलराम झुक झुक जियो बेटा। वाह, एक की जगह तीन तीन शिकार मिल गए। इन मनुष्यों का इतना साहस कि हमसे भिड़ रहे हैं। सिर्फ ये तीन ही नहीं, इनका पूरा गांव तबाह कर देते हैं। एक नन्हा बालक तुम्हारे हाथ नहीं आ रहा है। अरे अरे, लोग तुम्हें शूरवीर कहते हैं। क्या ऐसा कोई नहीं जो उस छोटे से बालक को खोजकर उसका वध कर सके? या फिर ये काम भी मुझे खुद जाकर करना पड़ेगा? महाराज, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। जाओ और अपने प्राणों को बचाने के लिए उस बालक को ढूंढो। कितनी कड़ी धूप है, अगर थोड़ा पानी बरस जाता तो। मारुत देव, देवजनों ने आज इस ओर का रुख किस प्रकार किया? पृथ्वी लोक आते ही इस ओर भ्रमण करने निकल आए। भ्रमण करने आए हैं तो गोवर्धन पर्वत अवश्य जाइए। अवश्य, क्यों ना आप दोनों भी हमारे साथ वहाँ चलें? आप अपने रथ पर आइए, मैं और बलदाव स्वयं वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, गोवर्धन पर्वत के दूसरे छोर पर हम आपका इंतजार करेंगे। परंतु ये भी संभव है कि हम वहाँ आपसे पहले पहुँच जाएं। हमारे रथ से तेज आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। चलो हमारा रथ वायु से भी तेज दौड़ाओ। हवा में उड़ने वाला सोने का रथ? ये इन देवों की नहीं, मेरी सवारी होनी चाहिए। हाँ, ये क्या, ये रथ रुक क्यों गया? अहंकारी राक्षस, ये तो बहुत विचित्र सी बात है। हमें यहाँ आए बहुत समय हो गया पर मारुत देव अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। उनका रथ तो वायु गति से आकाश में चलता है। वो रहा उनका रथ। ये कौन सा दो मुंह वाला राक्षस है जो उनके रथ में सवार है? मारुत देवों के रथ में सवार कौन हो तुम, और मारुत देव वो कहाँ है? वो सब मेरे पेट के अंदर है।
जहाँ अब तुम भी जाने वाले हो। दुष्ट राक्षस, तेरा अंत अब निश्चित है। अब तुम भी उन मारुत देवों के पास जाओगे। श्री कृष्ण और बलराम, हम सभी आपको सादर प्रणाम करते हैं। बलरामासुर जी, अरिष्टासुर को याद किया आपने? हाँ अरिष्टासुर, हम देवकी के आठवें पुत्र को खोज रहे हैं। उसका मिलना बहुत ही जरूरी है। हम चाहते हैं तुम जाओ और उस बालक के प्राणों को हर लो। आप निश्चिंत रहे। पता नहीं क्या है, भूकंप है या भूचाल है या तूफान आने को है। अरे भागो, अरे भागो! हे प्रभु, ये कैसा संकट है। तुम ही नंद और यशोदा हो ना? बोलो बोलो, कहाँ है तुम्हारा पुत्र कृष्ण? वो तो बरसाने गया हुआ है, वो तो वृंदावन में है ही नहीं। जैसे ही कृष्ण वापस आता है, उसे कह देना नदी के पास वाली गुफा में आ जाए और अपने माता पिता को छुड़ाकर ले जाए। बाहर आ दुष्ट दानव, मेरे माता पिता को क्यों बंदी बनाया है? बाहर आ और हमसे युद्ध कर। किससे युद्ध करूं? किससे? तुम दोनों से? पहले हमारे माता पिता को छोड़ दो, फिर युद्ध करना। अच्छा लो। लल्ला, तुम ठीक तो हो ना? मैया, हम ठीक हैं। हमें तो आपकी चिंता हो रही थी। अब आप घर जाइए। नहीं, मैं तुम दोनों को इस भयानक दानव के पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। यशोदा, हमारे यहाँ रहने का ये दानव लाभ उठा सकता है। हमारा यहाँ से जल्दी चले जाना ही ठीक होगा। पर मेरे बच्चे। चलो यशोदा। आओ आओ आओ, मारो मारो। बलदाव, ये कोई साधारण दानव नहीं है, ये तो महामाया भी लगता है। ये मरेगा कैसे? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, क्या आप इस दानव को जानते हैं? नारायण नारायण, ये महामायावी दानव अरिष्टासुर है। इसे वरदान है कि हवा और जमीन पर नहीं मरेगा, इसे सिर्फ पानी में ले जाकर ही मारा जा सकता है। बलदाव, हमें इसे किसी तरह नदी में ले जाना होगा। अरे ओ दानव महाराज, जरा सुनिए तो सही। क्या है? बलदाव कह रहे थे कि पहले कुछ भोजन हो जाए, फिर लड़ेंगे आराम से। हाँ हाँ, लड़ लड़ कर आपको भी तो भूख लगाई होगी, है ना? भूख तो मुझे भी लगी है, पर यहाँ खाना कहाँ है?
लीजिए। क्यों दानव महाराज, ऐसा है भोजन, जी भर कर खाइएगा, शर्माइएगा नहीं। मुझे पानी ला कर दो जल्दी। वो देखिए पहाड़ से नीचे वो रही नदी। पानी पानी। बालक उस पेड़ से नीचे उतर जाओ और हमें यहां शांतिपूर्वक प्रार्थना करने दो। वाह क्या सुंदर कमंडल है। बालक हमारा कमंडल वापस रख दो। बिल्कुल नहीं, इसे तो मैं अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। ले जाओ और हमें यहाँ एकांत में छोड़ दो। ठीक है। लीजिए बलदाव। तो तुम बालक यूं नहीं मानोगे। बिल्कुल नहीं ऋषिवर। स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठा था, परंतु आपने मेरा अहंकार नष्ट कर मुझे फिर से शालीनता का मार्ग दिखाया। ऋषिवर, ये श्री कृष्ण और बलराम हैं, और ये मेरे ही अनुरोध पर यहाँ आए थे। मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने यहाँ आकर आपको अहंकार मुक्त कर दिया। हम आपके तप और बलिदान से अत्यंत प्रसन्न है। देखती हूँ मेरे दोस्त मुझे ढूंढ पाते हैं या नहीं। पहले दो बच्चे और अब माधो, वृंदावन में ये कौन सी आपत्ति आ पड़ी है? ये बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं? कौन ऐसा कर रहा है और बच्चों को कहां ले जा रहा है? मैंने अंतिम बार उसे एक पेड़ के पास देखा। क्या आप हमें वो पेड़ दिखा सकते हैं? अवश्य दिखा सकता हूँ काना, आइए चलिए मेरे साथ।
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम कौन हो और हमारे वृंदावन के बच्चों को क्यों गायब कर रहे हो? मुझे वृक्षस नाम के अति भयानक राक्षस ने ये काम करने पर मजबूर कर रखा है। वो पहाड़ी के पीछे एक घने जंगल में उसका राज्य है। कान्हा, बलदाऊ, मुझे यकीन था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। तुम यहाँ बच्चों के साथ हमारी प्रतीक्षा करो माधो, मैं और बलदाऊ उस दुष्ट राक्षस को परास्त करके आते हैं। तुम दोनों बालक कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे राज्य में घुसकर मुझे ही डराने की कोशिश कर रहे हो? वृक्षस, हम तुम्हारी बुरी योजनाओं का अंत कर बच्चों को ले जाने आए हैं। इन्हीं वनों से एक एक करके खजाने गायब हो रहे हैं। कुबेर महाराज ने इन खजानों की निगरानी और सुरक्षा का कार्यभार हम यक्षों को सौंपा था। यदि उन्हें अंदेशा भी हो गया कि हम इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, तो समूचे देवगण के सामने हमारी बहुत निंदा होगी। आपको किसी प्रकार की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, इसके लिए हम दोनों स्वयं खजानों की निगरानी करेंगे और उनकी पुनः प्राप्ति में आपकी सहायता भी करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, परंतु हमारे पहरे के होते हुए ये खजाना खाली कैसे हो गया? जमीन पर ये निशान, ये तो नागों के रेंगने के निशान है। ये सब मेरा है। मेरा मतलब हमारा है कद्रु देवी। खजाना तुम्हारा नहीं, कुबेर महाराज का है, जो तुम्हें इसी क्षण लौटाना होगा। चलिए बलदाऊ, मुझे खेद है कि मैं उस राक्षस की बातों में आकर उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। मेरे ये हजार नाग पुत्र जिस प्रकार उस राक्षस की सहायता करने के लिए
खजाना उठा लाए थे उसे वापस उसी जगह पहुंचा भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कद्रु देवी। धन्यवाद तो श्री कृष्ण और बलराम का करना चाहिए जिन्होंने समय पर आकर न केवल कुबेर महाराज के खजाने को बचा लिया परंतु मुझे भी पश्चाताप कर अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। राधा क्या हुआ, तुम्हारे फूल अभी तक उगे नहीं? कान्हा कल प्रातः देखना इन डालियों पर इतने फूल होंगे कि उनके वजन के कारण ये डालियां धरती तक झुक जाएंगी। वो दृश्य कितना सुंदर होगा। पर कान्हा अभी चलो, हमें गाय चराने ले जानी है। हाँ चलिए बलदाऊ। ही खा लेते हैं। फल फूल पत्ती तो खरगोश खाते हैं, हम जैसे राक्षस नहीं। अच्छा ठीक है, तुम मत खाओ, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा। खरगोश पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि भूख के मारे शायद हमारे दिमाग ने काम करना कम कर दिया है, इसीलिए अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख से हम दोनों मर ही गए हैं और सीधा स्वर्गलोक पहुंच गए हैं? अरे वो सब बाद में विचार कर लेंगे, पहले कुछ भोजन तो कर ले। बलदाऊ आप ये घंटी की आवाज सुन रहे हैं? लगता है कुछ गैया उस ओर वन में भाग गई है। आज तो पेट भर कर भोजन मिलेगा। हे हमारी गैया कहाँ भगा लिए जा रहे हो? अब ये तुम्हारी संपत्ति नहीं, हमारी संपत्ति है। गाय से पहले तो हम इन दोनों को खाएंगे। कंस महाराज ने बड़ा ही स्वादिष्ट काम किया है आपकी बार। उन्होंने वृंदावन के सारे बच्चों को मेरा भोजन बनाने का आदेश दिया है। बचाओ!
भयानक प्राणी कौन था? मैं क्या करूं? कन्हैया से ही कहती हूँ। अरे ये राधा को क्या हुआ? ये इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? कान्हा, कान्हा, वो होदो, माधो, अश्वितामा को एक विशाल पक्षी उठा ले गया है। क्या क्या कह रही हो? कहाँ देखा तुमने ये सब? बताऊँ, वो मैं यमुना से पानी भरने जब वहाँ पहुँची, तो मैंने देखा कि वो भयानक पक्षी उन तीनों को अपने पंजों में दबाए उड़ा जा रहा था। रो मत राधा, हम अपने मित्रों को जरूर बचा लेंगे। चलो हमें बताओ वो किस तरफ उड़ गया। हम इतने दूर आ गए हैं, पर उस शिव का कोई पता नहीं है। आप लोग निराश ना हो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। हम अपने मित्र उधव, माधव और श्रीदामा की खोज में आए हैं। उन्हें कोई दुष्ट जीव उठा कर ले गया है। नारायण नारायण। वो जीव, वो तो एक विशाल काय गिद्ध है प्रभु, वो तो सागर पार गया है। कान्हा, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? प्रभु, सब आपकी ही कृपा है। ये हवा और बिजली से भी तेज है, ये आपको सागर पार ले जाएगा। राधा, पहले तुम बैठो। तुम बहुत अच्छी घोड़े हो धवल। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। नारायण नारायण। चल धवल। लगता है हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ये वही दो बालक हैं। हे भगवान, तूने छोटे छोटे मासूम बालकों को? पर इसने एक ना सुनी।